कर सकूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है उनके साथ। अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे। सर, ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे, तो मैं कहाँ रहूँ ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊँ, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊँ, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूँगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूँ, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है, और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वह यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें, और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए, वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है, और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। 24 तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी अभी कुछ डिसाइड नहीं। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा जी, और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। नहीं, कोई जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी हो गया। आप बहुत बहुत धन्यवाद।